शहर के सुप्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडी द्वारा 2 दिवसीय मास्टर क्लास इनफर्टिलिटी फूड का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें विविध राज्यों से तज्ञ डॉक्टर्स, मेडिकल के छात्रों इस मास्टर क्लास में उपस्थित थे। मास्टर क्लास इनफर्टिलिटी संगोष्ठी का सफल आयोजन चौथी बार संता नगरी में किया गया। श्रीखंडी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, फेमिकेयर प्रतिष्ठान और एनओजीएस के संयुक्त तत्वावधान में इस 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर जयदीप टांग, जनरल सेक्रेटरी एफओजीएसआई, साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडी इनके कर कमलों द्वारा किया गया। मंत्रित्व से जुड़े सभी तज्ञ चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्तर के उच्च तज्ञ द्वारा मंत्रित्व से जुड़े आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा तकनीक से अवगत करने के उद्देश्य से मास्टर क्लास इनफर्टिलिटी संगोष्ठी का आयोजन किए जाने की बात कही। संगोष्ठी की शुरुआत चर्चा सत्र से हुई, जिसमें विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया। समुपदेशन, सप्लीमेंट इनफर्टिलिटी केयर, अल्ट्रासाउंड इनफर्टिलिटी असेसमेंट आदि विषय पर डॉक्टर वैदेही मराठी, डॉक्टर अरुण राठी, डॉक्टर चैतन्य शेम्बेकर, डॉक्टर जयदीप टांग इन्होंने मार्गदर्शन किया। तत्परांत वंदित्व विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप टांग इन्होंने सर्वसामवेशक कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल फॉर IUI साइकिल इस विषय पर कार्यशाला को संबोधित किया। इस कार्यशाला में ओरल ड्रग्स की उपयोगिता, गोंडोट्रॉपिक्स कम दिए जाने चाहिए, इन सभी चिकित्सा प्रणाली का किस तरह ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की। इसके पश्चात हुई कार्यशाला में फर्टिलिटी केयर, ऑप्टिमल रूट, पुरुष वंदित्व, ट्यूबस सर्जरी, विफल केसेस का अध्ययन और इन पर उपाय आदि विषयों पर चर्चा की गई। डॉक्टर कामिनी पटेल, डॉक्टर शांतिपनी खड़े और डॉक्टर जयदीप टाग इन्होंने क्रमश इन विषयों पर मार्गदर्शन किया। करंटली फॉर एग्जाम्पल आता 2-3 इश्यूज डिस्कशनमध्ये होते। एक होतं सिझेरियनचं इश्यू, दुसरा होतं बीडमध्ये जे हिस्ट्रेक्टमीचं इश्यू झालं होतं, तर हे दोन पहिले आपण बोलू शकतो। आता जे सिझेरियन आहे त्याच्यामध्ये माझ्या मते फारच मिसअंडरस्टँडिंग आहे। फॉर एक्झाम्पल जेवढे आर्टिकल्स लिहितात सिझेरियनवर ते सगळे आर्टिकल्समध्ये असं सांगतात की सिझेरियन रेट 10-15% व्हायला पाहिजे, पण एकदमच चुकीचं आहे। असं कुठे लिहिलंच नाही आहे की 10-15% व्हायला पाहिजे। ते 1975 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननी असं सांगितलं होतं की सिझेरियन रेट 10-15% व्हायला पाहिजे इफ यू वॉन्ट टू प्रिव्हेंट मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी। मॉर्टॅलिटी म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू सेव्ह द वुमन्स लाईफ। बट दिस 10-15% वॉज नेवर मेंट टू लुक ॲट मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटीचं मिनिंग फॉर एक्झाम्पल आता डिलिव्हरी झाली आणि बाळाला काय त्रास झाला, सेरेब्रल पॉलिसी झाली, मेंटल रिटार्डेशन झालं, तर हे 10-15% हे इन्क्लूड नव्हतंच कधी। त्याच्या कारणे WHOनी आता ते रिअलाईज केलं आणि अराउंड 4 इयर्स बॅक WHOनी नवीन स्टेटमेंट काढली आहे, ज्याच्यात ते असं सांगतायत की सिझेरियन रेट समोर बघायलाच नाही पाहिजे। नाही, व्हॉट यू शूड बी लुकिंग ॲट इज द प्रोव्हिजन ऑफ सिझेरियन टू ऑल द विमेन हू नीड इट। सो दिस इज नॉट टू से दॅट किती करा सीजर असं कोणी सांगत नाही, पण हे जे 10-15% अपेक्षा आहे ती खोटीच आहे पूर्ण। PCOS इस गहन विषय पर सामूहिक चर्चा सत्र हुआ, जिसमें मॉडरेटर थे डॉक्टर अरुण राठी। इस चर्चा सत्र में डॉक्टर जे फिथवी, डॉक्टर दर्शन पवार, डॉक्टर कल्पना गुलवाड़े, डॉक्टर कामिनी पटेल, डॉक्टर मनोज आगलावे, डॉक्टर राजश्री सेन गुप्ता और डॉक्टर शिल्प सूद इन्होंने सहभाग किया। मैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है हमारी मास्टर क्लास इनफर्टिलिटी 4, ये कॉन्फ्रेंस हमने हमारे रीजन के डॉक्टर्स को इनफर्टिलिटी के विभिन्न पहलुओं पे अपडेट करने के लिए आयोजित की है। इसमें भारतवर्ष से और मेनली विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सभी डॉक्टर्स आए हुए हैं। यहाँ पर हम जो इन्हें अपडेट कर रहे हैं वो है ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स, यानी IUI के पहले अंडाशय की तैयारी कैसे की जाए, जब ये महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो प्रेगनेंसी की देखभाल कैसे की जाए, जब महिला को बच्चा नहीं होता है तो 50% केसेस में पुरुषों में भी प्रॉब्लम होता है, तो पुरुषों को जो मेल इनफर्टिलिटी है उसका डायग्नोसिस कैसे की जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे की जाए, इसके बारे में आज दिन भर चर्चा होगी। और कल जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी कई महिलाएँ दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि वो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं पर किसी कारणवश अबॉर्शन हो जाता है, कई बार 4th महीने में बच्चा माँ के पेट में ही ख़राब हो जाता है, और ऐसा 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार होता है। तो ये पूरे केसेस को
बहुत चैलेंज होता है डॉक्टर के लिए भी कि कैसे मैनेज किया जाए, तो कल पूरा डेडिकेटेड सेशन से हमारा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पर है, और दोपहर को IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो कि एक बहुत ही अच्छी तकनीक है, पेशेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और जिसके सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है, उसका पूरा संचालन कल पोस्ट लंच है, और वो मैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे IUI का पूरा सेशन हम लेने वाले हैं। इस माध्यम से जब हम डॉक्टर्स को अपडेट करेंगे तो इसका फ़ायदा पेशेंट को ही होगा, क्योंकि जो डॉक्टर दूर दूर से आए हैं वो अपने ही गांव में, टाउन में, शहर में पेशेंट्स को नई तकनीक का फ़ायदा दे पाएंगे, और ये महिलाएं वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती हो सकेंगी, और जो नहीं हो पाएगी उन्हें ही नागपुर जैसे बड़े शहर में आना पड़ेगा। वंदित व विशेषज्ञ और मास्टर ट्रेनर डॉक्टर जयदीप टांग और डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे, इन्होंने इस कार्यशाला में विविध अंकों पर वार्तालाप किया, साथ ही उपस्थित अन्य चिकित्सकों द्वारा कुछ जटिल केसेस पर विश्लेषण भी किया गया। देश के विभिन्न प्रांत से लगभग 300 प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में शिरकत की, और वंदित व निवारण पर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, तकनीक तथा विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त जानकारी हासिल की। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।